एक संबंध याद ही नहीं है आज तक। इनके साथ की जितनी यादें हैं वो सिर्फ परिवार की हैं, मेरे बचपन की, मेरी बहन के साथ जिस तरीके से ये हम दोनों के साथ खेलते थे बचपन में, साउथ एवेन्यू में अगल बगल में ही हम लोग रहा करते थे, तो वो तमाम यादें आज दिमाग में कौन थी हैं। पापा के जाने के बाद इनका जाना यकीनन मेरे लिए, अपनी बात मैं करूं, शांतनु की बात करूं, सुभाषनी जी की बात करूं, हम लोग तैयार ही नहीं थे ऐसी परिस्थितियों के लिए, पर बस अब इतनी कामना करते हैं कि वो जहां कहीं भी हों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और यकीनन हम इस पीढ़ी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ कर गए हैं। पापा की बात करूं, इनकी बात करूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं कि जिस विचारधारा को लेकर इन्होंने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और सबसे बड़ी बात कभी कोई समझौता नहीं किया, अपनी अंतिम अंतिम सांस तक, मतलब मैं इनसे आके जब मिलता भी था उस वक्त भी ये एक ही बात बोलते थे कि कुछ हो जाए कभी किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता नहीं। आखिरी के दिनों में भले इनको कष्ट सहना पड़ा पर उस पर भी कभी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी तरीके का, अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से, जिस समाजवाद की लड़ाई को लेकर इन्होंने छात्र आंदोलन में अपनी शुरुआत की थी, उस लड़ाई को अपनी अंतिम 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 सांस तक ये उतनी ही मजबूती से लड़ते रहे, जो हम सब के लिए सीखने वाली बात है। यकीनन आने वाले दिनों में इन्हीं के दिखाए मार्गदर्शन पर आने वाली युवा पीढ़ी चले, हम तो भाई उनके परिवार हैं, खून है, हम तो चलेंगे, पर आने वाली पीढ़ी के भी इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और कहीं ना कहीं इस बात का डर लगता है कि समाजवाद की वो जो पीढ़ी थी, एक 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 करके पापा का जाना, नेताजी का जाना, अब इनका जाना, एक एक करके वो पीढ़ी समाप्त होती जा रही है। और ये बड़ी जिम्मेदारी अब युवा पीढ़ी पर भी आती है कि उनकी उसी सोच, उसी विचारों को आगे लेकर चलें। शक्ति भी यही देंगे हमें उनकी इस लड़ाई को, उनके संघर्ष को एक अंतिम अंजाम तक लेकर जाने की। परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत मिले, बस यही कामना करता हूँ।